Hello, Assalamu Alaikum. This is Miraj. Welcome back to my YouTube channel where we teach you how to become an independent trader. आज की वीडियो में अनफॉर्चुनेटली आपको मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी बिकॉज लाइक यू गाइज नो कल मेरे पाँव पर एक इंजरी हो गई है जिसकी वजह से आई कैन नॉट गो टू माई स्टूडियो एंड रिकॉर्ड दिस वीडियो सो आई एम इन माई बेड रिकॉर्डिंग दिस क्विक अपडेट फॉर यू गाइज. अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डेली टाइम फ्रेम पर RSI जो है वो ब्रेकआउट कर गई है ये लेवल, और हमने देखा है जो ही वो ब्रेकआउट हुआ है लाइक आई ऑलवेज सेड कि द बिगर द टाइम फ्रेम द बिगर द पंप एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ एज सून एज वी यू नो सॉ द RSI ब्रेकिंग आउट. उसके बाद बिटकॉइन का एक ज़बरदस्त किस्म का पंप आया एंड राइट नाउ वी आर ट्रेडिंग एट 47,800 विच इज़ रियली रियली गुड. आपके साथ मैंने ये भी बताया था कि इस एरिया में डबल बॉटम W पैटर्न बन रहा है विच इज़ अ बुलिश पैटर्न यार विच इज़ एक सेकेंड आई एम सॉरी विच इज़ अ बुलिश पैटर्न. तो ये आप देख सकते हैं अभी वो फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड द 48,400 एरिया. अभी जो मेन चीज़ हमने देखनी है वो ये देखनी है कि जो पिछला स्विंग हाई था विच वॉज अराउंड दिस एरिया, लेट मी जस्ट क्विकली मार्क दैट एरिया. ये वाला जो एरिया, ये जब हमने ब्रेक कर दिया तो ये जो एक बेरिश प्राइस टारगेट है ना अबाउट 37,000-38,000 ये बिल्कुल निगेट हो जाएगा बिकॉज आई सेड दिस बिफोर द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड. अगर नीचे जा रहे हैं तो फिर नीचे सपोर्ट के लेवल्स को हमें देखना होगा किस जगह से बाउंस करते हैं. ये मैंने आपको बार बार बताया था कि जो 40,000 का एरिया है वो ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट बन गया इस एरिया में, उसके बाद इस एरिया में and this area as well. So these are massive support areas. मैं जल्दी से ये support resistance को ख़त्म करके दो तीन चीज़ें आपको और दिखाना चाहता हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें और थोड़ी छोटे time frame पर चलते हैं. ले जी, 4 hour time frame पर आ गए और मैं खोलूँगा अब EMA ribbons खोलूँगा बिकॉज़ पिछली दफ़ा जो हमने वीडियोज़ देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम्स वी वर बिलो द EMA ribbon. अभी आप ये देख सकते हैं क्लियरली बिकॉज ऑफ द मैसिव पंप यस्टरडे वेयर अबव द EMA रिबन्स ऑन द 4 hourly टाइम फ्रेम. 1 hourly टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि क्या बन रहे हैं, तो 1 hourly टाइम फ्रेम पे भी वी आर अबव द बुल द EMA रिबन्स विच इज़ अ बुलिश इंडिकेटर. और लाइक आई हैव सेड कि जब इंशाल्लाह अक्टूबर शुरू होगा तो वी विल सी पंप्स लाइक वी हैवन्ट सीन बिफोर. और ये हम देख सकते हैं कि कल एक ज़बरदस्त किस्म की बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी और उसको हमने क्लोज़ किया डेली पे एंड वी यू नो सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूड ऑन विद द मोमेंटम. अच्छा, ये छोटे टाइम फ्रेम्स हो गए. वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि ये मेरे रिबन से ऊपर है कि नहीं. ओके, सो ज़बरदस्त वेयर अबव ऑन द वीकली टाइम फ्रेम्स एज वेल एंड these are the bullish indicators that we were hoping that you know bitcoin would cross and it has crossed that. So ab jo cheez hai wo hai humne apna previous high of 53,000 ko jab tod diya to phir aap expect kar sakte hain a very quick surge in price near the all time high. To aage aane wale mahine inshallah acche hain and once bitcoin settles तो फिर कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी इनटू अदर ऑल्ट कॉइन्स एंड वी विल बी गुड टू गो. शाम की वीडियो में इंशाल्लाह मैं फिर से आप लोगों को कुछ कॉइन्स बता दूंगा बिकॉज़ यू गाइस हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी कि थोड़े लॉन्ग टर्म और थोड़े शॉर्ट टर्म कॉइन्स बता दें, वो इंशाल्लाह आपको बता दूंगा. और एक और चीज़ जो मैंने आपको सिखानी थी वो ये थी कि आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें ब्रेकआउट में कब एंटर करना चाहिए. इवन दो मैं स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन जो लोग करते हैं उनको थोड़ी सी इंडिकेशन दे रहा हूँ. ये आप देख सकते हैं W डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है. मैंने आपको बताया हुआ है कि बेशक प्राइस ऊपर जा रही हो या बेशक प्राइस नीचे आ रही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नीचे आ रही भी है तो वो हमेशा बेरिश रीटेस्ट करेगी और फिर नीचे जाएगी. ठीक है, ऑन द फ्लिप साइड जब बुलिश मोमेंटम बनते हैं तो ऊपर जाते हैं, हमेशा आके रीटेस्ट करते हैं, जब रीटेस्ट कंफर्म हो जाए उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं. तो आपने हमेशा रीटेस्ट के अंदर एंटर करने ट्रेड्स को, और उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये देता हूँ.
कि ये W डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, और इधर एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइंस को आपने केयरफुली देखना है। अच्छा, इस एरिया में आप लगा सकते हैं इससे नीचे अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। उसकी वजह ये है बिकॉज जो डबल बॉटम या जो भी पैटर्न बन रहा होता है, अब ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, तो जो उसकी हमने देखी है डबल बॉटम जो बना हुआ है, उससे नीचे जो है वो सारी डिमांड जोन है, मतलब उधर लोग ख़रीदना चाह रहे हैं। और जो बिल्कुल करीब करीब है डबल बॉटम की, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये बेसिकली सपोर्ट बन जाते हैं। तो आप इन एरिया से थोड़ा सा नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यू विल बी गुड टू गो फॉर योर ट्रेड्स। और रीटेस्ट के अंदर आपने कब एंटर करना है वो भी मैं लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो होती है ना, ये चीज़, इसको बोलते हैं नेक लाइन। फिर से एक दफ़ा लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द नेक लाइन, ठीक है। बुलिश पैटर्न हो, इफ़ वी ब्रेक द नेक लाइन ऑन द W पैटर्न, ठीक है, एंड देन वी कम बैक डाउन टू सपोर्ट एंड रीटेस्ट दिस एरिया, जिस तरह अभी हम करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि एक सेकेंड में लाइन पर चले हूँ, इसको हम रीटेस्ट करें, अगर इस एरिया तक आता भी एंड वी होल्ड दिस एज सपोर्ट, देन यू कैन एंटर इनटू अ लॉन्ग पोजीशन एंड देन वी विल गो अप। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, इंशाल्लाह 2-3 दिन में मेरे जब पाँव ठीक हो जाएंगे तो मेरी शक्ल फिर से आप देख सकेंगे। बट आई होप आज की वीडियो जो थी वो हेल्पफुल थी। राइट नाउ वी हैव टू फोकस ऑन इज़ ब्रेकिंग द 53,000 लेवल्स, तो वो जब ब्रेक हो जाएगा तो वी विल हैव अ न्यू टेक्निकल टारगेट अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स। You know, Bitcoin is destined to go to about 180 to 200K, जो Bitcoin का blow off top होता है। और आप लोगों को मैंने अपने Discord के अंदर भी बताया था, कुछ लोगों को नहीं पता था कि blow off top क्या चीज़ होती है। blow off top basically Bitcoin के अंदर ये होता है कि जब bull market ख़त्म होने वाली होती है ना, तो सारा जो पैसा है alts का और बाकी सारी जगहों का जो market cap है, वो Bitcoin के अंदर आना शुरू होता है। फिर बाकी कॉइन्स एक ही जगह पर रुक जाती हैं और बिटकॉइन इस तरह बस ऊपर जाता रहता है, ब्लो ऑफ टॉप होता है एंड देन इट कम्स डाउन एंड वी एंटर इनटू अ बेयर मार्केट। इसके ऊपर इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। बट देयर इज़ ऑल फॉर टुडे, कीप मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड छुफ़।